सर थ्योरी रिवीजन भी करवा दीजिए या बस शीट रिक्वेस्ट है कि आप एक एक स्टेप पर चलिए। ये कुलदीप सिंह जी ने पूछा ये रिवीजन क्लास नहीं है क्या? ये रिवीजन क्लास है, लेकिन इसके अंदर पहले शीट के डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद थ्योरी रिवाइज कर, सा टॉपिक रिवाइज करवाना है। चैप्टर है पी लॉक, टाइप ऑफ सिलिकॉन्स ब्रीफ कर दो। सर शीट की पीडीएफ भेज दो, शीट लेकर घर नहीं आया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप शीट का जो पीडीएफ है वो भेजना, तो आप उस मटेरियल का फोटो खींच सकते हैं अपने दोस्त से कह के, और उस दोस्त से फोटो खिंचवाकर आप अपने व्हाट्सएप पे या अपने किसी मेल पे आप उसको मंगवा सकते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अपना मटेरियल नहीं लेकर गए अपने घर, अपने फ्रेंड से कह के उसका फोटो मंगवा सकते हैं, और वो फोटो आप देख करके पढ़ाई को शुरू करें और डाउट्स पूछ सकते हैं। सर विल यू डू दिस डेली? स्कोर रिवीजन प्लान जो होगा वो डेली आएगा, ठीक है, और रिवीजन तब तक चलता रहेगा ऑनलाइन जब तक आपका लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। तो लॉकडाउन तक ये ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर इसी तरह से चलेंगी। जैसे एक बच्चे ने अभी लिखा है यहाँ पर कि आप सिलिकॉन रिवाइज करवा दो, तो सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सिलिकॉन होते क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं सिलिकॉन, तो ध्यान से देखें सिलिकॉन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी एच 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 और एच, तो इसका नाम हमें पता है, इसका नाम होता है मिथेन। इसी सिलिकॉन ले लूं तो इसका नाम हो जाता है सिलेन, ठीक है, इसका नाम है मिथेन, इसका नाम है सिलेन। अब अगर मैं इसमें से दो हाइड्रोजन हटा करके दो सीएल लगा दूं, दो हाइड्रोजन हटाकर मैंने क्या लगाया यहां पे, दो सीएल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई डाइक्लोरोमिथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाइक्लोरोमिथेन। अब इस डाइक्लोरोमिथेन में से मैं एच हटा करके आर लगा दूं तो यहां हो जाएगा आपका डाई अल्काइल डाई क्लोरो मिथेन। क्या नाम हो गया इसका? डाई अल्काइल डाई क्लोरो मिथेन, ठीक है। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा। एक कार्बन पर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं। तो जब यहां पर आपके दो OH अनस्टेबल होंगे तो यहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? वाटर। और जब ये वाटर निकलेगा तो ये वाटर निकलने के बाद बनेगा कीटोन। अब जब इसकी बात करते हैं तो सेम यहां पर भी अगर हम बात करें ऐसे ही कि यहां पर एच हटा के हम क्या लगा दें? क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोसिलेन। क्या नाम बना? डाइक्लोरोसिलेन। और अगर मैं यहां से इसको हटा के यहां पर आर लगा दूं तो इसका नाम बन जाएगा डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन। और अगर इस डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन का मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहां से वापस, हाइड्रोलिसिस करवाने पर यहां से वापस क्या निकले? टू मॉलिक्यूल ऑफ HCl निकल गए। अब ये जो बना कंपाउंड इसका नाम होता है सिलेनॉल। इसका क्या नाम है? सिलेनॉल। अब ये जो सिलेनॉल है ये इस एल्केनॉल की तरह, इसका नाम था एल्केनॉल, ये जो सिलेनॉल है ये इस एल्केनॉल की तरह वाटर बाहर निकाल के इस तरह का कंपाउंड नहीं बना सकता, क्योंकि सिलिकन
ऑक्सीजन के साथ कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। अब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन किया था पूरा बॉन्डिंग, एक एक लाइन एक एक चीज बॉन्डिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन की जा चुकी है। तो ये वहां पर आ चुका है कि क्यों बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए जो रिविजन कर रहे हैं उनको मालूम है कि ये सिलिकॉन इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहां पर सिलिकॉन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, इसलिए ये वाली रिएक्शन होगी नहीं और ये मॉलिक्यूल जाएगा पॉलीमराइजेशन में। किसमें जाएगा? ये पॉलीमराइजेशन में। और जब ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा तो फिर डिफरेंट टाइप के सिलिकॉन्स बनेंगे। तो यानी कि सिलिकॉन्स हुए क्या, अगर हमसे पूछा जाए कि सिलिकॉन्स किसे कहेंगे तो सिलिकॉन क्या हुए जरा देखें। सिलिकॉन की डेफिनेशन अगर बनेगी तो क्या बनेगी, देखो एल्काइल ग्रुप होगा उसके अंदर, तो एल्काइल ग्रुप अगर होगा तो हम बोलेंगे ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड हैविंग SiO Si लिंकेज, ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड हैविंग SiO Si लिंकेज आर कॉल्ड सिलिकॉन्स। ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड हैविंग SiO Si लिंकेज, ये R ग्रुप होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन। तो अब जो सिलिकॉन हो गए वो क्या हुए, ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड हैविंग SiO Si लिंकेज आर कॉल्ड सिलिकॉन। ठीक है, अब टाइप ऑफ सिलिकॉन की बात करें तो टाइप ऑफ सिलिकॉन में कई टाइप के होते हैं, जैसे पहला होता है आपका लीनियर सिलिकॉन, ठीक है, दूसरा होता है आपका साइक्लिक सिलिकॉन, तीसरा होता है आपका डाइमर सिलिकॉन। कौन कौन से हो गए, पहला लीनियर सिलिकॉन, दूसरा साइक्लिक सिलिकॉन, तीसरा डाइमर सिलिकॉन। अगला होता है क्रॉस लिंक सिलिकॉन। तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन जो है क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि Si, Cl, Cl, RR, ठीक है, ये जब हाइड्रोलिसिस में गया था तो यहां पर आपका OH आ गया था। ठीक, अब इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और यहां एल्काइल ग्रुप लगा सकता हूं, ऐसे कैसे एक और मॉलिक्यूल इसका ले सकता हूं। तो जब ये वाले जो मैंने आपको बताया था सिलेनोल, जब ये इस तरह के सिलेनोल बनते हैं और उन सिलेनोल में से जब पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हेवियर मॉलिक्यूल लाइक वाटर है, अमोनिया है, इस तरह के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो यहां पर वाटर है तो वाटर बाहर निकलेगा, और जब यहां से ये वाटर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा जरा देखिए रिएक्शन के बाद, कि SiO SiO Si, यहां पर आपका OH आएगा, ये OH है, ये R है, R है, R है, ये लीनियर सिलिकॉन बना आपका। ठीक है, तो ये आपका सिलिकॉन जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, लीनियर सिलिकॉन। क्या नाम है इसका, लीनियर सिलिकॉन। अब जब लीनियर सिलिकॉन के बाद साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक सिलिकॉन में भी कुछ इस तरह से होता है कि जब लीनियर पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है तो टर्मिनल OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। कहां से, टर्मिनल से। टर्मिनल से जब आप देखो एक और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, देखो जरा, ये देखिए आप, ये जो एंड है ये मिल जाएगा, और अगर ये एंड मिलता है तो क्या बना यहां पर, SiO 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 और ये अल्काइल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए डेफिनेशन में क्या आया था, ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड, यहां पर अल्काइल ग्रुप आपका साइक्लिक सिलिकॉन हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा डाइमर सिलिकॉन,
क्या पूछा जाएगा? डाइमर सिलिकॉन। तो डाइमर कैसे बनेगा जरा देख के बताएं। एल्काइल 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 ग्रुप यहां होना चाहिए, इस एंड पर क्या आना चाहिए? सिर्फ एक OH। डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाए। तो जब हमें डाइमर सिलिकॉन बनाना है तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल मिलकर के ही आपके सिलिकॉन को बनाना चाहिए। तो ये देखिए आप, यहां से वाटर आपका बाहर निकलेगा, तो ये आपका SiO(SiR)R(R)R(R)R और R बनेगा। इसे कहते हैं डाइमर सिलिकॉन। ठीक, अब डाइमर के बाद आता है आपका क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड को एक नाम और देते हैं हम, नेटवर्क लाइक सिलिकॉन। अब नेटवर्क लाइक सिलिकॉन का मतलब एक तरह से 3D की तरह चला जाए, चारों तरफ फैल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा देखिए जरा। जैसे अभी हमने लीनियर सिलिकॉन बनाया था तो उसमें ये R था, यहां OH है R OH OH OH। ठीक है, अगर हम यहां पर इसी तरह से एक मॉलिक्यूल और ले लें, तो आप देखिए यहां से अगर मैं बाहर निकाल दूं इसको, तो आपके पास जो बनेगा उसका नाम होगा आपका क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। ये मैं यहां बना देता हूं, ये आपका कहलाएगा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें सवाल कैसा आएगा? देखिए आप इसको ऐसे मत समझिए कि थोड़ा फास्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है और ये उन बच्चों को रिवाइज कराया जा रहा है जो ITJEE देने जा रहे हैं अभी। तो आप इस क्लास को इस तरह से बिल्कुल ना सोचें कि क्या क्लास में इस तरह से पढ़ाया जाता है या इतना स्पीड में होता है या तेज होता है या जल्दी मिटा देते हैं। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में ये सब जल्दी हम मिटा सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ ये एज इट इज आपके यूट्यूब पर वापस पड़ा होगा। आप जाकर के इस रिकॉर्डेड इस लेक्चर को जो ये रिकॉर्ड हो रहा है ये वापस जाएगा, न्यूक्लियस के ही चैनल पे पड़ा रहेगा। आप जब भी इसे देखना चाहें आप देख सकते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी हम लॉकडाउन तक आप सभी को उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा लगा हो कि सर मैंने नोट नहीं किया था, मुझे नोट करने देते आप जल्दी से मिटा दिया, तो मैं उसका आंसर दे दूं, नहीं मिटाया है, ये वापस रहेगा, आप फिर से देख सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की क्या कि सवाल कैसे आएंगे। तो जैसे सवाल देखो क्या बना, पहला सवाल फर्स्ट, और ये स्टैंडर्ड सवाल होंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना दिमाग में। हमने कहा पॉलीमराइजेशन चलता है, तो पॉलीमराइजेशन के लिए हमें अगर लीनियर बनाना है तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि लीनियर तभी जाएगा जब इस तरह से पॉलीमराइजेशन जाए। अगर इस तरह से पॉलीमराइजेशन जाए तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यहां इस एंड पर OH होना जरूरी है, ऊपर और नीचे OH नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे पॉलीमराइजेशन को ले गए तो वो शीट जैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो आप दिमाग लगाएं कि पॉलीमराइजेशन जो ग्रुप कर रहा है उस ग्रुप का नाम है OH, तो OH को हम पॉलीमराइजेशन में ले जाएंगे, और लीनियर पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं तो लीनियर पॉलीमराइजेशन के लिए हमें OH इस तरफ रखना पड़ेगा। तो इस तरफ OH होना जरूरी है और ऊपर नीचे ना जाए, इसलिए ऊपर नीचे क्या आएगा? एल्काइल ग्रुप। डाइमर बनाना है तो डाइमर के लिए हमने दिमाग लगाया कि एक OH चाहिए। अगर एक OH चाहिए तो एक OH का मतलब होगा कि तीन जगह एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि एक ही एंड से आपका पॉलीमराइजेशन हो ताकि डाइमर बन जाए। थोड़ा दिमाग लगाएं, वापस सोचें, तो इसका मतलब मुझे तीन एल्काइल ग्रुप चाहिएंगे। और अगर मुझे 3D बनाना होगा तो दिमाग लगाएं आप कि एक जगह एल्काइल होना चाहिए, क्योंकि एल्काइल होना कंपलसरी है। अगर आप एल्काइल नहीं रखेंगे तो पॉलीमराइजेशन तो हो जाएगा लेकिन वो सिलिकॉन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यानी एक एल्काइल होना चाहिए तो कितने OH होने चाहिए? तीन। अब यहां से सवाल आपसे बनेंगे और आपको पूरा का पूरा लॉजिकली आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पहला, जैसे आपसे बोलेगा कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इनमें से लीनियर सिलिकॉन बनाएगा,
तो आप सोचें 2 मिनट आपके पास है तो कौन सा सिलिकॉन बनाएगा देख के बताएं जरा आप। तो आपको मैंने जो समझाया उससे आपको सोच सकते हैं कि सर ने कहा था लीनियर का मतलब ऐसे जाना होता है, ठीक है, लीनियर का मतलब अगर ऐसे जाना होता है तो ऐसे जाएगा, और अगर ऐसे जाएगा तो कितने चाहिए OH? दो, बाकी जगह क्या चाहिए अल्काइल ग्रुप, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया। फिर बोलेगा वो डाइमर कौन बनाएगा सोचो, तो आप सोच सकते हैं कि सर ने बताया था डाइमर के लिए क्या होना चाहिए, 3 जगह अल्काइल और 1 जगह सीएल, यानी इस एंड पर OH आएगा तो ये। फिर बोलेगा क्रॉस लिंक कौन बनाएगा, तो आप बोलेंगे क्रॉस लिंक के लिए आप दिमाग लगाएंगे कि 3 जगह होना चाहिए OH, यानी कि 1 अल्काइल ग्रुप चाहिए। फिर वो बोलेगा क्या CCl4, सॉरी वो बोलेगा क्या SiCl4 से आप 3D नेटवर्क का एक सिलिकॉन बना सकते हैं, तो आप सोचेंगे हाँ बना सकते हैं, इधर भी OH आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, बन सकता है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा नहीं बन सकता, क्योंकि अभी मैंने बोला आपसे कि अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, अगर अल्काइल ग्रुप नहीं होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट सिलिकॉन नहीं होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सिलिकॉन के अंदर आता है कि सिलिकॉन जब बनाते हैं हम तो उसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो कौन होता है, तो मैं आपको बता दूं कैटलिस्ट उसके अंदर कॉपर पाउडर होता है। जब भी सिलिकॉन बनाया जाता है तो उसके अंदर प्रिपरेशन के दौरान जो कैटलिस्ट होता है वो कॉपर पाउडर होता है। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा सिलिकॉन से कोई सवाल नहीं बनता है, चाहे आप कितने भी साल के उठा के सवाल देख सकते हैं, जेईई के, एडवांस के, मेंस के, किसी भी जगह किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आप देख लो, ये स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। इसके अलावा सिलिकॉन में कुछ नहीं पूछा जाता, आप चाहे तो जेईई एडवांस की एक्सरसाइज करें, चाहे किसी शीट को करें, चाहे किसी बुक को करें, किसी भी जगह आप देखें आपको ये स्टैंडर्ड मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच दो कॉलम जेईई एडवांस में आया हुआ है, जेईई मेंस में भी आया हुआ है, कम से कम अभी रिसेंट ईयर में 2 से 3 बार आ चुका है 5 सालों के अंदर अंदर, तो आप इसको अच्छे से पढ़कर जाएं, बहुत फेवरेट टॉपिक है। पिछले साल जेईई मेंस जब आया था, NTA ने जब किया था, तो उसके अंदर भी सिलिकॉन में से सवाल थे, आप जाएं और NCERT जरूर पढ़ें, क्योंकि वो सवाल उसके यूजेस में था, जो यूजेस NCERT में दिए हुए हैं, तो आप नोट डाउन कर लें कि आपको रिवीजन में अभी जाकर सिलिकॉन के यूजेस भी याद करने हैं NCERT से, ठीक है, जेईई मेंस NTA के लिए, ठीक। और एडवांस में आते हैं सवाल इस तरह के, जो भी आपके मैथ्स दो कॉलम आता है, मैथ्स दो कॉलम आपको करना है, ठीक। नेक्स्ट में देखता हूं मोबाइल में, अब आप जैसे सवाल बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सवाल आया है, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि इस बच्चे ने पूछा है, तो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा इसके अंदर, कि मुझे कहा जाए कि अगर हमें पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करना है, लाइक SiCl2 इस पॉलीमराइजेशन को रोकना है, ये जा रहा है पॉलीमराइजेशन ऐसे, इसको स्टॉप करना है, तो इसकी स्टॉपिंग यूनिट होती है SI3Cl, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 अल्काइल ग्रुप हैं, कितने, अरे 3 अल्काइल ग्रुप आ गए तो इस एंड पर तो रुक जाएगा ना पॉलीमराइजेशन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप आगे नहीं जाने देगा,
आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये एल्काइल, ये एल्काइल, ये एल्काइल आगे नहीं जाने देगा तो स्टॉप हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है चेन स्टॉपिंग यूनिट। यहां क्या हो गया, ये चेन स्टॉप, तो इसको कहते हैं हम चेन स्टॉपिंग यूनिट। यहां पर एक बच्चे ने पूछा है आशीष, तो बोला है सर इट इज फॉर जेई मेंस रिवीजन 2020, प्लीज सर रिप्लाई एंड विल बी सिमिलर क्लासेस। तो मैं आपको बता दूं यहां पर ये जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की रिवीजन क्लासेस हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जेई मेन जेई एडवांस दोनों की रिवीजन क्लासेस हैं और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए लगेंगी। आज फिजिक्स और मैथ्स की क्लास लगी है, आज सॉरी फिजिक्स और इनऑर्गेनिक की क्लास लगी है, बाकी जो क्लासेस होंगी वो कल होंगी। इसके लिए आप न्यूक्लियस की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, न्यूक्लियस का चैनल आप जाके सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, आपको सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आप जब भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे तो आपको टाइम टू टाइम इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आशीष मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार जाकर के चेक करें, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर सिस डाइऑल फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो, सिस डाइऑल ये ऑर्गेनिक का पार्ट आएगा। सर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के बारे में हम बात करते हैं, तो नोबल गैसेस में आपने सिर्फ ये लिखा है नोबल गैसेस, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा बताइए। श्रेयांश आपका असली नाम मैं नहीं ले पाऊंगा यहां पर, आपके फोटो से आपका नाम मुझे याद आ गया। बॉन्डिंग रिविजन सर प्लीज, बिल्कुल आपके बॉन्डिंग के रिविजन का भी आएगा। ये रिविजन प्लान आपको जो मैसेज दिया गया था उस मैसेज के अंदर जो टॉपिक आपको लिख कर दिए गए थे, ये उन टॉपिक की ही रिवीजन क्लास चल रही है। तो आपको पता होगा कि 10 अप्रैल तक आपको केमिकल बॉन्ड सॉरी आपको पी ब्लॉक का रिवीजन करने के लिए दिया गया था, और उससे पहले का जो टास्क था वो भी पी ब्लॉक ही था, इसलिए आज रिवीजन क्लास में पी ब्लॉक ही चल रहा है। आप केमिकल बॉन्डिंग के सवाल ना पूछें, अभी लिखा हुआ एमपी वीबीटी में नो ओवरलैपिंग केस। लॉकडाउन के बाद हमारी प्लानिंग है कि आपकी जब भी क्लासेस ऑफलाइन चालू होंगी तो यहां बुलाकर आपका रिवीजन कराया जाएगा। लॉकडाउन की जो भी प्लानिंग है वो लॉकडाउन के बाद आपको मैसेज के थ्रू बता दी जाएगी। अब बात आती है यहां पर अगला सवाल, विच टाइप ऑफ सिलिकॉन इज हार्डेस्ट, तो क्रॉस लिंक्ड इज हार्डेस्ट। आपसे पूछा है इसमें कि डायमंड और SiC, SiC का आपको नाम पता होगा, SiC कार्बोरंडम होता है और ये सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल है आफ्टर डायमंड। पहला आपका डायमंड होता है, फिर SiC होता है, और फिर आपका अल्फा Al2O3 होता है। ठीक है, आप ये देखिए सबसे फर्स्ट होता है डायमंड, फिर होता है SiC और फिर आपका अल्फा Al2O3। SiC का जो नाम होता है, इसका जो नाम होता है वो होता है कार्बोरंडम, और इसको बोलते हैं आपके कोरंडम। तो ये नाम आ सकते हैं आपके हार्डेस्ट मटेरियल देखे जाए नेचर में, तो सबसे ज्यादा डायमंड है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, तो
इसमें बोला है हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनोन फ्लोराइड्स। तो ये आप देख सकते हैं अपन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जब हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक आएगा तो उसके अंदर आपको रिवाइज कराया जाएगा, और ये आप नोट्स में जाके इंपॉर्टेंट है पढ़ सकते हैं अभी। श्रेयांश आप पूछ रहे हैं कि सर इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओलियम। यस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हम जनरली इसका कमर्शियल प्रोसेस ही कहा जाता है। मैं समझ पा रहा हूं कि आपने क्यों सवाल पूछा है, क्योंकि टेस्ट में एक सवाल आया था और उस टेस्ट के सवाल के अंदर आपको वो कन्फ्यूजन था। तो आप मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। कैटेनेशन, सिलिकॉन का कैटेनेशन पूछा है इसमें। कैटेनेशन डिपेंड करता है आपका बॉन्ड एनर्जी पर। कैटेनेशन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी सवाल आता है किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड एनर्जी पर, किस पर डिपेंड करता है। और बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है साइज पे, ठीक है। यानी कि कैटेनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक। अब जब हमसे सवाल पूछा जाता है कि कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन ये जब हमसे सवाल पूछा जाता है कि कार्बन कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि नीचे आने पर जो साइज है वो कम होगा। अगर साइज कम होगा तो बॉन्ड जो बनेगा वो वीक बनेगा। अगर बॉन्ड वीक बनेगा तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो कम लगेगी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम है तो इसका मतलब उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी कम है, ठीक है। अब एक चीज पर और डिपेंड करती है और वो है एलपी एलपी रिपल्शन। किस पर डिपेंड करती, किस पर बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली होती है एलपी एलपी। एलपी का मतलब होता है लोन पेयर रिपल्शन। क्या होता है इसका मतलब, लोन पेयर रिपल्शन। अब लोन पेयर रिपल्शन है, लेकिन ये लोन पेयर रिपल्शन सिर्फ सेकंड पीरियड के लिए। दोबारा से बताएं क्या बोला मैंने, लोन पेयर रिपल्शन वाला जो फैक्टर है वो सिर्फ किसके लिए लगता है, ओनली सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब जैसे इसके सवाल कैसे पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखें, अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नीचे आने पर आपका फास्फोरस फास्फोरस आता है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस फास्फोरस में नीचे आने पर जो साइज है वो किसका बड़ा है, फास्फोरस का। अगर वो फास्फोरस का साइज बड़ा है तो इसका मतलब है कि साइज बड़ा होने पर इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कम। बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। लेकिन मैंने आपसे अभी एक बात बोली कि बॉन्ड एनर्जी एक चीज पर और डिपेंड करती है और वो है लोन पेयर रिपल्शन। तो अगर वो लोन पेयर रिपल्शन की हम बात करें तो नाइट्रोजन जब नॉर्मली तीन बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर उसके पास रहता है, तो सेकंड पीरियड का है नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है उस पर लोन पेयर है तो रिपल्शन आएगा, और अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर
रिपल्शन आएगा तो इसका बॉन्ड वीक होगा, इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम हो जाएगी क्योंकि सेकंड पीरियड का है। तो यहां पर अगर आप देखें तो किसकी ज्यादा होगी, पीपी, किससे, एनएन से। और यही रीजन है कि फास्फोरस P4 में पाया जाता है और नाइट्रोजन N2 में। इसी तरह से जब मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर की बात करूं तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होते हैं। फिर से नीचे आएंगे, साइज बढ़ेगा, लेकिन मैंने अभी कहा कि अगर सेकंड पीरियड में हमें और लोन पेयर है तो लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, और लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में भी सल्फर सल्फर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं FFCLCL, तो आप देखें यहां पर अपन देखें तो तीन तीन लोन पेयर हैं, कितने, तीन तीन लोन पेयर। और अगर तीन तीन लोन पेयर हैं तो रिपल्शन और ज्यादा होगा। तो यहां जब हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि F2 और Cl2 में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, Cl2। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि सेकेंड पीरियड वालों में जो बॉन्ड एनर्जी और कैटेनेशन का डिफरेंस है वो आपको पता चल रहा है। तो सिलिकन की अगर हम बात कर रहे थे तो कार्बन कार्बन और सिलिकन सिलिकन में तो सिलिकन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस की ज्यादा है, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की ज्यादा है, क्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताएं तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा तो Cl2 की होगी। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, Cl2 की। अब सेकंड नंबर पर आपका Br2 आ रहा है, F2 आ रहा है, फिर I2 आ रहा है। अब आप सोचें कि ऐसा क्यों हुआ कि F2 थर्ड नंबर पे गया, सिंपल, तीन लोन पेयर। और लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है। तो एक तो साइज छोटा हो रहा है, लोन पेयर और बढ़ रहे हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि साइज छोटा होगा और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपस में रिपल ज्यादा करेगा। और अगर वो ज्यादा रिपल करेगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, इसलिए ये थर्ड नंबर पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। ये आपका कैटेनेशन भी कंप्लीट। एक सवाल आ रहा है कि सर बोरेक्स में 10H2 बोले या 8H2O। तो ये थोड़ा सा आप सवाल ऐसा है कि इसमें आपका कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि आपको 10H2O ही बोलना है। बोरेक्स के अंदर 10। अगला सवाल आ रहा है क्लेथ्रेट्स, कि क्लेथ्रेट्स क्या होते हैं सर बताइए। तो देखिए क्लेथ्रेट की बात करते हैं, क्लेथ्रेट क्या होते हैं इसको समझना पड़ेगा पहले। क्लेथ्रेट जैसे मान लीजिए एक ही पोलर सॉल्वेंट है कोई, मान लीजिए मैंने कहा फिनोल, तो मैंने फिनोल को लिया हुआ लिक्विड फॉर्म में और उस फिनोल के अंदर मैंने पास किया किसी नोबल गैस को। जब मैंने नोबल गैस को फिनोल के अंदर पास किया और पास करने के बाद उस सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करवा दिया, उस सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करवा दिया, तो क्रिस्टलाइजेशन के बाद ये जो नोबल गैस होती है वो इस क्रिस्टल के वॉइड्स के अंदर आके बैठ जाती है। इस क्रिस्टल की वॉइड्स में आकर के बैठ गई। अब इसके वॉइड्स में आकर के बैठने के बाद जो एक कंपाउंड बनता है पूरा,
इसको क्लेथरेट कहा जाता है। क्लेथरेट एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, क्लेथरेट बहुत वास्ट होता है, क्लेथरेट के अंदर काफी सारी चीजें आती है। जैसे अगर हम थोड़ा सा और जाएंगे, ठीक है, तो इनके नाम भी आपको पता चलेंगे। इनको कहा जाता है होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स, एक्सक्लूसिव इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कई सारे नाम होते हैं, कई तरह के क्लेथरेट होते हैं, मिथेन क्लेथरेट, सॉलिड क्लेथरेट्स, गैसियस क्लेथरेट्स, तो ये सब चीजों में हमें नहीं जाना है, ठीक है। आपको कोई कितना भी कंफ्यूज करे, आपको सिर्फ इतना सा ही देखना है, क्योंकि अभी राइट नाउ रिवीजन का टाइम है और रिवीजन में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देखें और टिक करें, बस वहां पर कोई कंफ्यूजन ना लाए। ये जब अगर शुरुआत की क्लास होती तो मैं आपको इसके बारे में बहुत सारे डेप्थ बता सकता था, लेकिन अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पर हम फोकस कर रहे हैं। तो यहां पर आप फिनोल 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 लिया, कोई भी पोलर सॉल्वेंट लिया, उस पोलर सॉल्वेंट के अंदर जब हमने नोबल गैस को पास किया तो नोबल गैस जाने पर क्रिस्टलाइजेशन कराया गया, और जब क्रिस्टलाइजेशन कराया गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे फिनोल है, इसके ये तीन मॉलिक्यूल है, यहाँ तीन मॉलिक्यूल के इस तरह से ज्वाइंट होते हैं कि इनमें एक वॉइड्स बनती है, इस वॉइड्स में नोबल गैस आया। अब ये आया क्यों, सवाल ये आता है, तो ये आया इंटरेक्शन की वजह से। ये एक पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट को हम डाइपोल कहते हैं, और ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो आप वॉन्डरवाल फोर्स जब हम पढ़ते हैं, तो जब एक पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर को पास करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं उसको, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या बोला जाता है बताओ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या बोलते हैं बताओ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि क्लेथरेट्स किसकी वजह से बने, तो आप बोलेंगे कि क्लेथरेट्स डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से बने। अब यहां पर बहुत सारी टेक्निकल है, जैसे वाटर, वाटर के अंदर अगर हम नोबल गैस को पास कर दें तो उन्हें कहा जाता है हाइड्रेट्स, और ये जो हाइड्रेट्स है ये भी तो एक तरह के क्लेथरेट्स ही हुए, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर, ये क्या है, नॉन पोलर। अगर मैं फिनोल की बात करूं पर्टिकुलर, तो तीन मॉलिक्यूल ही फिनोल के पहले एच बॉन्डिंग करते हैं, उनकी एच बॉन्डिंग की वजह से बीच में एक वॉइड्स आती है, ये उस वॉइड्स के अंदर आकर के बैठ रहा है। अब यहां पर एक खास बात है क्या, कि हीलियम और नियोन ये दोनों कभी क्लेथरेट्स नहीं बनाते, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से वो इंटरेक्शन उतना डेवलप नहीं कर पाते कि ये इंटरेक्शन यहां होल्ड हो सके और ये आपस में यहां पर आ सके, ठीक है। लेकिन अब लेटेस्ट और अगर हम एडवांस की बात करते हैं तो नियोन का भी क्लेथरेट आजकल बनने लग गया, हाइड्रोक्विनोन के साथ नियोन का क्लेथरेट पाया जाता है। 1958 में पावेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब डिस्कवरी की है, तो हमें इतना डिटेल अभी नहीं जाना, हमें सिंपल सा याद रखना है कि हीलियम नियोन क्लेथरेट नहीं बनाते, सिंपल है, हीलियम और नियोन क्लेथरेट नहीं बनाते। वीबीटी में नो ओवरलैपिंग केस डिस्कस आज नहीं होगा बेटा, जब केमिकल बॉन्डिंग का नंबर आएगा उसी के अंदर हम करेंगे। कार्बन एक्ट्स एज एन एब्रेसिव एंड आल्सो एज अ लुब्रिकेंट, व्हाई, देखो कार्बन जो होता है उसके अलग अलग फॉर्म होती है, आप समझना ध्यान से, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं लाइक डायमंड, डायमंड एलोट्रॉप जो है वो बहुत हार्ड होता है, नेचर में सबसे हार्ड डायमंड होता है, इसलिए ऐसे सब्सटेंस जो हार्ड होते हैं उनको हम एज अ एब्रेसिव यूज किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन का वो डायमंड वाला जो फॉर्म है वो तो एब्रेसिव होता है, और जो दूसरा एक और एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, उस ग्रेफाइट को हम कहते हैं, ठीक है, वो होता है लुब्रिकेंट, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है लेयर्स,
और ये जो आपका ग्रेफाइट होगा इसके अंदर जो है वो लेयर होती है, लेयर स्ट्रक्चर के बीच में जो वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, ये वांडरवाल फोर्स जो है वो वीक होते हैं। ये वांडरवाल फोर्स कैसे हैं? वीक। तो ये वांडरवाल फोर्स जो है वो वीक होते हैं, इसलिए ये आसानी से टूट जाते हैं और एक दूसरे पर स्लिप करते हैं, इसलिए ये ग्रेफाइट लुब्रिकेंट होता है। तो कार्बन इसीलिए एब्रेसिव भी है और लुब्रिकेंट भी, क्योंकि कार्बन का डायमंड फॉर्म आपका ये है। ये जो इसने पूछा कि सर इसका एक्सेप्शन कौन सा था क्लेथ्रेट के अंदर, तो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, हीलियम और नियोन नहीं बनाते, लेकिन नियोन भी बनाता है, वो हाइड्रोक्विनोन के साथ बनाता है, लेकिन हमें उस डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्लेथ्रेट हीलियम और नियोन नहीं बनाते। आशीष आप कह रहे हैं कि आई डिडंट गेट द शेड्यूल इन द वेबसाइट ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन, ऐसा नहीं है, आप एक बार ध्यान से देखें और नहीं तो आप कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पर तो है। नहीं, मैं इसमें अगला बोल रहा है देवांश, आप बोल रहे हैं कि आप केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक बता रहे हो, नहीं केमिकल बॉन्डिंग की शीट या टॉपिक से मैं कोई बात नहीं कर रहा, पी ब्लॉक के अंदर जो आपके बॉन्डिंग के भी पार्ट हैं जो हमने केमिक पी ब्लॉक में पढ़े हैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं। क्लोरीन के एच बॉन्डिंग कंपाउंड का नाम क्या है, तो वो मैंने आपको बताया था, एक तो ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ऑर्थो क्लोरोफिनोल और क्लोरल हाइड्रेट। एमओटी के एक्सपेल में आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो बॉन्डिंग के सवाल लिख रहे हैं वो ना लिखें, इसका एक अलग लेक्चर होगा, मैं उसकी लाइव क्लास अलग से लूंगा, आप उसके अंदर सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, परंतु यहाँ पर आप सिर्फ पी ब्लॉक से रिलेटेड सवाल पूछे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो देखो इंटर हेलोजन क्या होती है, लाइक सीएल है और आयोडीन है, समझिए बात को आप, ये अलग अलग हेलोजन है, लेकिन जब ये आपस में मिलेंगे तो इसको कहा जाता है इंटर हेलोजन, जिसमें दो टाइप की हेलोजन होती है। इंटर हेलोजन के अंदर एक सवाल पूछता है कि पोलरिटी किसकी ज्यादा, लाइक सीएल टू की ज्यादा या आई टू की ज्यादा, तो अगर हम देखें तो सीएल टू और आई टू से इसको कंपेयर करें तो इसकी पोलरिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ज्यादा पोलर होगा, पोलर होगा तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पोलर होगा इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होगा हेलोजन से, ठीक है। थ्योरी दैट कैन एक्सप्लेन कम्प्लीटली नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन NiCO4, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल है और ये आपको मैंने जेई मेंस में आया हुआ है, आपको सबको पता है कि NiCO4 में C और Ni के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और सिनर्जिक बॉन्डिंग भी होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होने का मतलब है पाई बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो यानी कि यहाँ पर ऐसा है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, तो जब क्लास में बताया गया था तो आपको बताया था कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए VBT आया, उसमें कुछ ड्रॉबैक थे, वो CFT आया, CFT ने कहा था कि प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मेटल और लिगेंड के बीच, तो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर है तो फिर NiCO4 में एक कोऑर्डिनेट और सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे हो रही है, यानी कि CFT की ये बात गलत हो रही है, इसी को दूर करने के लिए फिर कौन आया MOT, तो इसलिए NiCO4 को कौन एक्सप्लेन करता है अच्छे से MOT। सूडो हेलोजन, सूडो हेलोजन के लिए आप पी ब्लॉक की शीट देखें अच्छे से, उसमें जाके पढ़ें
तो आपको पता चलेगा कि कम से कम एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और एक नाइट्रोजन होना चाहिए, उसे हम स्यूडो हेलोजन कहते हैं, लाइक साइनाइड। साइनाइड इज द मोस्ट कॉमन स्यूडो हेलोजन। साइनाइड क्या होता है? मोस्ट कॉमन स्यूडो हेलोजन, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉपर्टी हेलोजन्स की तरह भी रखता है। ठीक है, अब जैसे सवाल आपसे पूछे कि क्या RCOO- ये स्यूडो हेलोजन है, तो आप बोलेंगे कि ये स्यूडो हेलोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन होना चाहिए और एटलीस्ट एक नेगेटिव चार्ज। श्रेयांश, अगर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड पैरामैग्नेटिक है तो पूरा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक ही होगा, आपको ये चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेड है या नहीं है, ढूंढो। अगर लिगेंड अनपेड रखता है, लिगेंड पैरामैग्नेटिक है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक ही होगा। अभी मैंने बताया, गर्वित आप बोल रहे हैं कि सर वी डोंट हैव द नोट्स, तो मैंने इसके लिए अभी बताया कि आप अपने किसी भी दोस्त से फोन पर बात करके फोटो खींच के नोट्स मंगवा सकते हैं और उनको पढ़ के डाउट्स पूछ सकते हैं। F2 is the stronger oxidizing agent than Cl2. तो F2 stronger oxidizing agent है। इसके लिए आप जब P block के अंदर sheet के अंदर देखेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पर Born-Haber cycle लिखा हुआ है। Born-Haber cycle की help से आप बता सकते हैं कि F2 stronger oxidizing agent होगा। NCERT की आप देखिए sheet को खोल करके, तो आपको पता लगेगा उसके अंदर आसानी, बहुत easy way में हमने लिख के आपको दिया हुआ है। आपने यहाँ पर लिखा है कि पीजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब हम प्रेशर के साथ आप कुछ कंपाउंड को जब हम प्रेशराइज करते हैं तो कुछ चिंगारी सी निकलती है, तो प्रेशर की वजह से जब इलेक्ट्रिक आता है कुछ, तो उसको अपन कहते हैं, जब आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर, अपन ने देखा था इसको। ठीक है, तो आप एक बार ढंग से जाके नोट्स लिखे, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्राम सॉल्ट क्या होता है? ग्राम सॉल्ट जो है वो होता है NaPO3 होल N, जहां N की वैल्यू 10 टू दी पावर 2 से लेकर के 10 की पावर 6 होती है। लॉन्ग चेन लीनियर वाटर सोल्युबल पॉलीमर होता है ये। ग्राम सॉल्ट क्या होता है बताओ? लॉन्ग चेन लीनियर वाटर सोल्यूबल। लॉन्ग चेन लीनियर वाटर सोल्यूबल होता है NaPO3 होल N, जहां N की वैल्यू N की पावर 2 से लेकर N की पावर 6 होती है। लेकिन पहले के जमाने में मैं फिर से कह रहा, ध्यान देना, इसको कहते हैं हम ग्राम सॉल्ट, इसका नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। लेकिन पुराने जमाने में इनकरेक्टली ग्राम सॉल्ट इसे बोला जाता था, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें कि N की वैल्यू अगर मैं 6 रख दूं तो यही बन जाएगा। तो पहले क्या था, हमारे पास कुछ ऐसी उपकरण नहीं थे जिनसे कि हम और डिटेल में मॉलिक्यूल को देख सके। बाद में इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड आया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड से ये पता चला कि यहाँ एन की वैल्यू 6 नहीं बल्कि एन की वैल्यू ये है। तब पता चला कि ये जो एन की वैल्यू 6 लिख करके हम ये कंपाउंड बना रहे हैं, इसका नाम तो है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये ग्राम सॉल्ट नहीं है। ग्राम सॉल्ट ये है और ये लॉन्ग चेन लीनियर वाटर सोल्यूबल पॉलीमर है, जबकि ये एक साइक्लिक पॉलीमर है। अच्छा, खास बात यह है कि इसका यूज भी वाटर की हार्डनेस को निकालने के लिए किया जाता है और इसका यूज भी वाटर की हार्डनेस को निकालने के लिए किया जाता है। इसका नाम आपको सबको पता होगा, कैल्गोन।
तो आपको पता होगा ये कैल्गोन होता है लेकिन ये नहीं होता है, तो ये आपका ग्राम सॉल्ट है, आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि इनकरेक्टली होता है। सर ये क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू रहेगी? नो, ऑफलाइन आने के बाद, ऑफलाइन जब चालू होगा तो ऑनलाइन बंद कर दिया जाएगा। अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जैसे ही कोई बात आएगी हम आपको सूचित करेंगे। इसमें लिखा है कि सर साइज अगर छोटा होगा तो मॉलिक्यूल को तोड़ना ईजी होगा, तो मैं फिर से बताऊं, अगर साइज छोटा होता है मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो वो वीक होगा। पाई एसिड क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिनर्जिक बॉन्डिंग का टॉपिक है, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लाइव क्लास लाएंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक सवाल आपने, ये प्रणव पाटिल ने पूछा है मोस्ट रिएक्टिव, तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि आईसीएल मोस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि वो इंटर हेलोजन है, उसके अंदर पोलेरिटी आएगी। मेटलर्जी में हॉल्स प्रोसेस, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको ये सब नहीं पूछना है अभी यहां पर, मेटलर्जी का डिस्कशन जब होगा तब आएगा। रोशन वर्मा ने भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, प्लीज ना पूछें। सर आपकी बुक का कुछ होमवर्क दे दीजिए, वो आपको जब टास्क मिलेगा मैसेज के थ्रू तब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? अब जब भी कोई क्लास होगी आगे तो आपको उसकी सूचना हम YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए उसके थ्रू ही मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्लासेस को जरूर देखें और अपना रिविजन कंटिन्यू रखें, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना रखें और अपने आप को फोकस्ड होकर के पढ़ाई में ध्यान दें। अभी जितने भी बच्चे सब लोग सोच रहे हैं अरे यार मन नहीं कर रहा, बहुत हो गया, एग्जॉस्ट हो गए, कितना पढ़ें, मैं आपसे यहां पर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कितना पढ़ें, कब तक पढ़ें, इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। दूसरी बात, हमें ये लगता है कि हम तो थक गए पढ़ पढ़ के, तो मैं आपसे यहां रिक्वेस्ट करता हूं कि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई उस लेवल से नहीं की जिस लेवल के वो हैं, तो ये स्टेटमेंट जब आपके मन में आने लगे कि यार थक गए पढ़ पढ़ के, तो एक छोटी सी स्माइल अपने ऊपर लाइए कि क्या ये स्टेटमेंट मुझे सूट कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या सही में इतनी पढ़ाई करी है कि मैं थक गया पढ़ पढ़ के? क्या मेरा सारा कोर्स रिवाइज हो चुका है? क्या मैं सारा का सारा शीट सॉल्व कर चुका हूं? क्या मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट है? क्या मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया है? तो जब आपको जवाब ना मिले कि हाँ नहीं किया मैंने ये सब कुछ अभी, तो फिर आप उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश ना करें कि आगे क्या होगा कैसे होगा, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई करने लगें, आप सिर्फ फोकस्ड होकर पढ़ने की तैयारी करें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे को ये जो टाइम आपको मिला है इस टाइम का उपयोग करें, जो भी कमियां पास्ट में रही उन कमियों को दूर करें, अपना एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल बनाएं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम टेबल, अगर आप अपना एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो आपको सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारा जो रिग्रेट होता है वो सिर्फ टाइम टेबल खराब होने से ही शुरू हो जाता है। कई बच्चे सोचते हैं सर मैं टास्क बनाता हूँ, टास्क लिखता हूँ, पर वो टास्क पूरा नहीं हो पाता। तो मैं पूछता हूँ भाई टास्क पूरा नहीं हो पाता क्यों? बोलता है सर मैंने सोचा था आज 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 6 घंटे पढ़ा। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के सवाल जब मन में आए तो आपका आंसर आना चाहिए कि 6 घंटे तो पढ़ा, अगर टास्क नहीं लगता या टाइम टेबल नहीं बनाता तो 6 घंटे भी नहीं पढ़ता। तो आप 2 घंटे का रिग्रेट ना करें,
आप इस बात की खुशी मनाएं कि आप 6 घंटे पढ़े हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब भी एग्जाम डिक्लेयर होगा तो अचानक से होगा, लाइक आपको लगेगा कि एक डेट आ जाएगी वेबसाइट पे कि जेईई मेंस इस दिन होगा, तो क्या आप ये वेट कर रहे हैं कि पहले ये पता चले कि जेईई मेंस कब होगा और फिर हम पढ़ना शुरू करें? रादर देन हम अपनी पूरी तैयारी करके रखें और जेईई मेन की डेट या जेईई एडवांस की जब भी डेट आए तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि कोई बात नहीं, अगर वो जल्दी से जल्दी भी आ जाती है तो भी हमारा सिलेबस कंप्लीट है। तो पहली चीज आप ध्यान रखें, अपना टाइम टेबल बनाएं सिस्टमेटिक। एक रिक्वेस्ट और थी कि आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम चेंज ना होने दें, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम चेंज ना करें, प्लस आप अपना एक सिस्टमेटिक प्लान बना के रखें, जिस समय एग्जाम होता है उसी समय अपने होमवर्क को करने की प्रैक्टिस ना छोड़ें, क्योंकि आप सबने वो प्रैक्टिस बहुत टाइम से डेवलप की है, आपको भी पता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सारा का सारा जो टाइम होता है एज ए एग्जाम अपना बना के घर पे प्रैक्टिस करें, उस स्लॉट को ना छोड़ें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगला, जब भी कभी आप डीमोटिवेट फील करें तो आप ये सोचें कि देखिए जीवन के अंदर सभी सफलताएं बिना संघर्ष के नहीं मिलती, और ये एक ऐसा समय है, संघर्ष का समय, संघर्ष के समय हमें मिलकर के एक साथ आगे बढ़ना है। इसमें आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, आपको अपने आप को सुरक्षित भी रखना है और आपको अपने आप को प्रूव भी करना है एग्जाम में सेलेक्ट होकर के, तो आपकी डबल जिम्मेदारी है। और आप उस डबल जिम्मेदारी के समय में अगर लापरवाह हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के या अपनी सुरक्षा को लेकर के, तो आप सोचिए इस बात को और एनालिसिस करिए कि क्या हम सही में लापरवाह हैं या नहीं है। अगर लापरवाह है तो उस लापरवाही को छोड़िए, और अगर लापरवाह नहीं है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेस को आप यूज करिए अपने फायदे के लिए, आप इन क्लासेस के थ्रू जो भी डाउट्स हैं वो पूछिए, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक रखिए, जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन हो उसी टॉपिक को आप पूछें, तो ज्यादा से ज्यादा आपको हम बता पाएंगे। प्रिपरेशन आप अपनी अफेक्ट ना होने दें, किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट माइंड में ना आने दें, किसी भी तरह से आप ये ना सोचें कि ये क्या हो गया, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा कोई नुकसान हो गया या आगे क्या होगा, कुछ नहीं है, सब बढ़िया होगा। हमें मिल करके शांति से इस समय को निकालना है, अपने टारगेट को पूरा करते हुए निकालना है, अपने लक्ष्य से हमें भटकना नहीं है, अपनी पढ़ाई को हमें सिस्टमेटिक रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।